हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट हो रहा है, रेलवे की तरफ से आया है, जिसको आप सभी लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों, 2019 में सबसे बढ़िया वैकेंसी होने वाला है रेलवे में। 1.3 लाख वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं रेलवे में जॉब करना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग हर वक्त रेलवे के लिए एप्लीकेशन करता है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं डिटेल्स में बता दूंगा कि क्या क्या वैकेंसी है, किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते, कब से आप, कौन सा डेट से आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आरआरबी के रिक्रूटमेंट हो रहा है 2019 में। एनटीपीसी रजिस्ट्रेशन फॉर 1.3 लाख वैकेंसी टू बिगिन ऑन फेब्रुअरी 28। तो दोस्तों, 28 के फेब्रुअरी के बाद आपका आप लोग ऑनलाइन में जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं और भी डिटेल्स आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे 12th और ग्रेजुएशन कैंडिडेट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग रेलवे में काम करने के लिए बहुत सारे इच्छुक है, बहुत सारे मतलब एक्साइटेड है काम करने के लिए। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो जो लोग बहुत सारे दिन से ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक मैं बताना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे ज़रूर एप्लीकेशन करिए। तो दोस्तों, उसके साथ साथ डिटेल्स क्या है उसको भी मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ। रेलवे एनटीपीसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2019 द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन will be advertised in the employment newspaper dated February 23rd। तो दोस्तों, यहाँ पे newspaper में 23rd के आप बाद यहाँ पे आपका जो एडवर्टाइज है आरआरबी के एडवर्टाइज दिया जाएगा इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो आ जाएगा। एंड उसके बाद द नोटिफिकेशन ऑफ सेम विल केम ऑन फेब्रुअरी 28। तो 28 में ऑफिशियली जो आपका आरआरबी के ऑफिशियल पेज है, आप लोग वहाँ पे आपका जो ये नोटिफिकेशन है आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो एंड द कैंडिडेट बिलोंग टू द एनटीपीसी पोस्ट कैन अप्लाई फॉर द सेम डेट आरआरबी भुवनेश्वर चेयरमैन सुब्रत सरकार सेट। तो दोस्तों, आरआरबी भुवनेश्वर के चेयरमैन सुब्रत सरकार ये इसका जो डिटेल है ये डिक्लेयर कर दिया गया है, कर चुके हैं 28 के अंदर ही। आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग जाके इसका जो डिटेल्स है रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन है आप लोग पा सकते हैं। उसके अलावा आप लोग नोटिस पेपर में उससे भी पहले 23rd फेब्रुअरी के पहले आप इसका जो डिटेल है आप लोग पा सकते हैं। एक बहुत बढ़िया वैकेंसी होने वाला है ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों, 1.3 लाख वैकेंसी है, जिसके इस तरह की वैकेंसी कभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, कोई भी आप लोग जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं, कोई भी मिस्टेक या कुछ भी गलत ना करके इसका जो एप्लीकेशन है वो आप लोग कर दीजिए। इसके साथ साथ जो भी डिटेल्स आएंगे मैं उसका वीडियो बना के आप लोग के सामने ले आऊँगा। इसके साथ साथ आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के सामने ले आऊँगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। और कोई भी कन्फ्यूजन प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।